फाइनली असाइनमेंट बेस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया है असाइनमेंट बेस का रिजल्ट। जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन एसओएल की वेबसाइट पर आया पड़ा है। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखिए इन इन सब्जेक्ट इन इन कोर्सों के रिजल्ट आ चुके हैं। बीए इंग्लिश ऑनर्स का आया है, ठीक है दोस्तों, और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का आया है, और बीए प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वालों का आया है जो बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट है, ठीक है। और फिर बीकॉम वाले स्टूडेंट का आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का आ गया बीकॉम वाले स्टूडेंट का, और बीकॉम ऑनर्स का भी आ गया, ठीक है दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर। तो दोस्तों आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो ये देखिए दोस्तों, मैं ओपन करता हूँ बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का रिजल्ट ओपन करता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे आएंगे दोस्तों ओपन, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है ओपन करके, ठीक है दोस्तों, ओपन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड हो गई, ये देखिए दोस्तों, ये 59 MB की PDF है, ठीक है, तो बहुत लंबी PDF है, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम ले लेगा। तो आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, देखिए दोस्तों, अगर आपको अपना रोल नंबर याद है ना, तो दोस्तों अपना रोल नंबर है ना, इस जो ये जो दिखा रहे हैं ना सर्च बटन, ठीक है दोस्तों, आपको इस पे क्लिक करके अपना अपना रोल नंबर डाल देना है, ठीक है दोस्तों, जो भी आपका रोल नंबर है अपना रोल नंबर डाल देना है, और अपना रिजल्ट सर्च कर लेना है, ठीक है। और अगर ऐसे ही देखना चाहते हो सीरियल वाइज, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ देखिए इसमें कि आपको कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है। तो ये तो दोस्तों होगा आपका रोल नंबर, ठीक है, एग्ज़ाम रोल नंबर, और नीचे SOL का रोल नंबर, ठीक है, ये चेक कर लेना है। और आपका अपना नाम हो गया ये, और ये नीचे फादर नेम हो गया, ठीक है दोस्तों, और फिर आपका आ गया सेमेस्टर, ये फर्स्ट सेम हो गया, ये सेकंड सेम हो गया, ठीक है दोस्तों। और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट देख लेना दोस्तों, ये बी ग्रेड मिला, फिर ए मिला, फिर डी मिला, फिर बी ग्रेड मिला है दोस्तों, यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की दोनों की ग्रेड मिला के इनकी CGPA बनी है दोस्तों 6.5। ये हिमांशु हैं, तो इनकी CGPA बनी है 6.05, ठीक है दोस्तों, तो इनकी ये CGPA बनी है और ये पास हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा अपना रिजल्ट चेक कर लेना, ठीक है, तो जाइए जल्दी अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। और ये इस लिंक का PDF है दोस्तों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी, और अगर आगे भी कोई और रिजल्ट आता है दोस्तों, क्योंकि शायद अभी मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का असाइनमेंट वेयर रिजल्ट आना बाकी है, तो उनका भी जैसी कोई रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको वीडियो बना के तुरंत दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।